जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की माह रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद रमजान। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन अपने इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, कभी हम सियासतदानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं, कभी सेलिब्रिटीज शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात करवाते हैं। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनका ताल्लुक सियासत से है, और ख़ास तौर पर अगर हम ये कहें कि कराची की सियासत में बहुत बड़ा किरदार जो है इनका है तो गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में जी। और नाज़रीन हमारी खुशकिस्मती ये भी है कि आज डॉक्टर साहब के साथ पहली दफ़ा हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। डॉक्टर साहब के साहबजादे मुस्तफ़ा भी इनके साथ मौजूद हैं, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं। ये इतफाक से मेरे साथ पढ़ने के बाद वापस आ रहे थे तो अच्छा नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। देखिए ये तरबियत का जो हिस्सा है ना, वो इसी तरह जब एक साहबजादे अपने वालिद मोहतरम के साथ जगह जगह जाते हैं और इस तरीके से लोगों को फेस करते हैं, अच्छी बात है, ये तो बड़ा एक वो है। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा, पहले आप बताएं मुझे। जी मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो स्कूल तो नहीं जा रहे होंगे आजकल कोरोना की वजह से? अच्छा, बाबा टाइम देते हैं आपको घर पे? जी, या यही टाइम जो कहीं इनके साथ जाने का मिल जाता है यही मिलता है? एक जमाने में तो ये एयरपोर्ट इसलिए मुझे लेने आते थे कि उस रास्ते में इनसे मुलाकात और बात हो जाती थी प्रॉपर। अच्छा, लेकिन अभी रमजान है, रमजान में तो टाइम मिल रहा है बहुत। रमजान मुबारक में टाइम मिल रहा है जी। आप बताएं खालिद भाई, कैसे गुजर रहे हैं रमजान मुबारक? क्या रूटीन रहता है, क्या करते हैं रमजान में? आप सबको पता है कि बरकत और रहमतें जो है हम सब के लिए, हमारे औकात कार को और हमारी औकात को भी खुदा की मर्जी के मुताबिक कर देते हैं। वाह वाह, अच्छा सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जो केकेएफ की एक्टिविटीज हैं वो भी चल रही हैं, जो राशन से रिलेटेड, इफ्तार से रिलेटेड? बस हमने अब चंद साल से ये रखा है, पहले भी यही था, लेकिन अब इसमें ज़्यादा उसका ख्याल रखा जा रहा है, एहतमाम और इंतज़ाम रखा जा रहा है कि काम ज़्यादा हो शोर कम हो। बात सूरतों में आपको बताना पड़ता है जब आप लोगों से मुहैया हजरात से ले रहे होते हैं कि उनका उनकी दीवी इमदाद सही हाथों में जा रही है या नहीं जा रही है। लेकिन इस दफ़ा हमने कई साल सब ये करते हैं कि हम जमा करके अब मुस्तहिक अफराद को बुलाते नहीं हैं अपने पास, रात के अंधेरे में उनके घरों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, उनके घरों तक पहुँचा? तो ट्रक अभी परसों यहाँ से बल्कि जी हाँ परसों घरों तक सबको पहुँचाइए। केकेएफ के ऑफिस से कई ट्रक्स निकले आज इस वक्त जिस वक्त आपसे बात हो रही है। मुझे याद है पिछले साल तस्वीर लेने की इस ट्रेडिशन को जो जिसकी नफी की थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सबसे पहले की थी। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम मीरपुर खास में हो रहा है, पिछले वीक हैदराबाद में था। बड़ा डिस्करेज किया गया था कि तस्वीर नहीं लेनी किसी को भी देते हुए, पहले एक जमाने में आपको याद होगा पिछले साल ये चल गया था कि हर शख्स एक आटे की, अगर एक किलो आटा भी दे रहा है तो वो तस्वीर साथ में खींच के। अच्छा, हम तो पहले भी ये जरा इसका ख्याल करते थे, लेकिन एक मरकजी प्रोग्राम जरूर रखा जाता था जिसमें कि लोग आते थे लेके जाते थे। अभी भी मैं लगता है कि बहुत सारे लोग जिन तक हम नहीं पहुँच पाते वो पहुँच जाते थे वहाँ तक, लेकिन हमने इसको ख़त्म किया है क्योंकि मीडिया तो मौजूद होता है, तो हमें सबसे ज़्यादा किसी की चीज़ की हिफाजत करनी चाहिए, लोगों की इज्जत नफ्स की। बेशक, तो अल्लाह ताला तौफीक दे के मदद भी हो और जिस तरह आका रसूल ने बताया उसी तरह मदद हो कि दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को ना पता चले। डॉक्टर साहब, खिदमत खल्क फाउंडेशन जिस तरह पहले काम किया करती थी, फाल थी, चले उतना ना भी हो, तो क्या अब कुछ फाल होती जा रही है, कुछ काम किए जा रहे हैं? लेकिन दो बातें हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो कि एमक्यूएम की बुनियाद तो बहुत बाद में पड़ी है। एमक्यूएम बनी 84 में, खिदमत खल्क फाउंडेशन बनी है 78 में। तो खिदमत के खातिर सियासत में आए हैं, सियासत के खिदमत में सियासत नहीं कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की रिकग्नाइज रजिस्टर्ड इदारा है। एक ज़माने में जब जलजला है 2005 का, अक्टूबर 2005 का, तो हुकूमत पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया दो बड़ी पाकिस्तान की, ईदी को और हमें, कि जिनके खिदमात का दायरा पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। एक ज़माने में अब्दुल सत्तार ईदी की जो फाउंडेशन है उसके बाद सबसे ज़्यादा
एम्बुलेंस सर्विस भी सबसे बड़ी पूरे पाकिस्तान लेवल पे हमारी ही थी, शायद जो मैयत गाड़ियाँ हैं सबसे बड़ी हमारी थी। तो क्योंकि हम पर गैर एलानिया पाबंदी चंदा लेने की सियासत का जो इख्तलाफ था वो खिदमत तक नहीं पहुंचना चाहिए थे उसकी आँच, सही बात, लेकिन वहाँ तक पहुँचा दी गई जो पहले कभी भी नहीं हुआ। और आप समझते होंगे पाकिस्तान में इसका कोई ज़्यादा तसव्वुर मौजूद नहीं है सियासत के अंदर खिदमत करने का, लोग अपनी खिदमत करवाने के लिए सियासत में आते हैं। तो मैं आपके इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा सियासी रंग देना नहीं चाहता, इसकी भी तारीख पालन करनी चाहिए। एक बात तो है ना कि तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों ने अपना एक ऐसा सोशल वेलफेयर विंग बना लिया था जिससे कि ये मैं एमक्यूएम से पहले की भी अगर बात करूँ तो पूरी सियासी जमातें उस सोशल विंग के चंदे से चलाई जाती थी, चाहे जमात की मैं बात करूँ या दूसरे जमातों की बात करूँ। अब एक ऐसा जहाँ से चंदा लिया जाता था, और यही फिर एमक्यूएम पे भी इल्ज़ाम लगाया गया कि खिदमत खल्क फाउंडेशन से सारा पैसा जो है वो लंदन जाता है क़यादत को। ठीक है, अगर ये है तो इसको साबित करना हमारा काम नहीं है। ये तो बहुत 9/11 की बात, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग ना। इसने किसी ने तो साबित किया था कि मुहज़्ज़िब माशरों में होता क्या है। आप तहकीक पहले करते हैं बाद में हाथ डालते हैं, पाबंदी पहले हाथ, ठीक है, कर देते हैं, फिर मैं पूरी तारीख अगर अदल की यहाँ बयान करूँ तो पाकिस्तान के 100 बड़े मुकदमों में से 100 बड़े इल्ज़ाम में से किसी एक का फैसला तो बताइए, जिनके वो फैसले भी जिनके बारे में लोगों को पता है कि ऐसा ही हुआ था वो भी साबित नहीं हो सके। तो हम तो अताब का शिकार हैं या नहीं है, कम से कम इसका तासुर मौजूद है ना, अभी भी तासुर है, तासुर मौजूद है, इस तासुर से फायदा उठा के फैसला कर दीजिए। देखिए मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि बीबी जी कहती थी कुछ अदालतों को कि कैंगरू कोर्ट्स हैं, कैंगरू कोर्ट्स ये खसूसी मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं और इस्तेमाल बनाई गई हैं। उन कोर्ट्स के जरिए तो एमक्यूएम के हजारों कारकुनों को सजाएं सुनाई गई हैं और सजाएं मौत तक दी गई है। लेकिन आपको शायद हैरान हो आप कि 1-1.5-2 लाख जो भी मुकदमात बने हों, किसी का किस्मत का आखिरी फैसला जो होता है ना, आप हाई कोर्ट जाते हैं, वो किसी एक ही को सजा मिल सकी है। बिल्कुल, यानी जो एक कंफर्मेशन आती है, लोअर कोर्ट तो कोई भी फैसला दे दे लेकिन जब तक के चूंकि ये जो कैपिटल पनिशमेंट होती है, इसीलिए जो आला अदालतों ने अब तक फैसले दिए हैं तो हमारा ईमान कम से कम किसी न किसी दर्जे पर अभी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर है। और देखिए पाकिस्तान को सौलत मिर्ज़ा को सजा, जी मैंने आपको एक नाम कहा ना, एक नाम कहा, ठीक है। और पाकिस्तान मुख्तलिफ इकाइयों से जुड़ा हुआ एक मुल्क है ना, और ऐसा मुल्क भी दुनिया में कहीं बना नहीं है जो नज़रिए के नाम पर बना हो, और ऐसा मुल्क भी कहीं नहीं है और ऐसी तारीख भी कहीं नहीं कि उन लोगों ने इस मुल्क को बनाने की जद्दोजहद की हो, जिन लोगों ने जद्दोजहद की हो वो उस जगह ना बनाना चाह रहे हों जहाँ पर वो रहते हैं, किसी ख्याल की दुनिया में बनाना चाह रहे हो, उस ख्याल को उस ख्वाब को ताबीर भी दे पाए हों। तो ये मुल्क ताकत से नहीं जुड़ा जा सकता, ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ से जुड़ा जा सकता है। और इंसाफ की जो माशी और दूसरे माशरती अवामिल हैं वो जमहूरियत के हाथों में है। जब तक जेन्युइन जमहूरियत नहीं होगी, कायदे आज़म के ख्वाबों के मुताबिक जमहूरियत नहीं होगी। देखिए पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को मुसलमाना ने बर सग़ीर ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब, सिर्फ 7 साल लगे इस ख्वाब को ताबीर देने में, लेकिन पाकिस्तान बनाना तो मकसद नहीं था ना, पाकिस्तान बनाने का भी तो कोई मकसद होगा, बताइए 70-74 साल में क्या वो मकसद पूरा हो गया? तो किसी कोई एक तो जिम्मेदारी लेना। देखिए इस जागीरदाराना जमहूरियत की वतन से तो कुछ नहीं निकलने वाला, ये हो ही नहीं सकता कि किसी मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम भी हो और वहाँ जमहूरियत भी हो, ये हो ही नहीं सकता कि किसी मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम भी और वहाँ तरक्की भी होती रही, ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि जागीरदाराना निज़ाम के होते हुए तालीम हो, इंसाफ हो, मसावात हो। जनाब हमें ये भी देखना चाहिए कि हमने अपनी जमहूरियत को किसी और की खाल तो नहीं पहनाई दी। मुझे आपके प्रोग्राम के जरिए मैं तमाम अरबाब इख्तियार के साथ तमाम दानिश्वरों से भी कहूँगा कि मुझे ढूंढ के तलाश करके वो दूसरा मुल्क बताएं जहां आज भी इस 21वीं सदी में भी जहां आज भी जागीरदाराना निज़ाम। सर आप क्या समझते हैं इस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है? जितनी भी और जैसी भी है, हाँ आप ऐमान में जाएं, आप जाके मैं जो कि
1990 में शायद कौमी असम्बली का सबसे यंगेस्ट MNA था जी। ना उस वक्त किसी को मेरे खानदान के बारे में इल्म था, ना मेरे वालिद के बारे में इल्म था, ना मैं कोई सज्जादा नशीन हूँ किसी दरगाह का, नहीं कुछ नहीं, ना कोई मेडिकल कॉलेज से आपने ग्रेजुएट, ना इसके बाद किसी सियासी खानवादे से ताल्लुक रखता हूँ। अगर मेरा किरदार और मेरी जद्दोजहद पहुँचा सकती है, और मैं किन लोगों में से हूँ, मैं उन 98% लोगों में से हूँ जिनके लिए ये जमहूरियत सजाई गई है। ये ऐवान इसलिए बनाए गए हैं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए कानून साजी करें। कानून साजी किसको करना है, मेरी बात सुनिए। एपीएमएस हो के तो आप बड़े एक्टिव हो रहे हैं। कानून साजी किसने करनी, किसके लिए करनी है? आवाम के लिए, कानून साजी के लिए करनी है जो आम पाकिस्तानियों के दुख दर्द को सिर्फ जानता ना हो, जिंदगी भर उससे नबरदाजमा भी रहा हो, जिसने बस में लटक के सफर ना किया हो, लाइन में लेकर पानी की अपना कनस्तर से पानी ना भरा हो, जिसने जद्दोजहद ना की हो, ट्यूशन पढ़ाकर तालीम हासिल नहीं की हो, वो आप पाकिस्तान के एक लीडर साहब जो जिंदगी भर बाहर पैदा हुए हो, बाहर पढ़े बड़े हो, बाहर से तालीम हासिल की हो, जबान भी कौमी जबान पूरी तरह ना बोल, तो कोई बहुत सारे हुए हैं, और उस जगह पे जाकर के जहाँ का जहाँ के मच्छर ने उनको कभी ना काटा हो, जहाँ के नल का पानी भी उन्होंने कभी ना पिया, वहाँ से जाके वो रहनुमा और वहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगे। इस जमहूरियत से आपको लगता है कुछ बनना है? बनना पाकिस्तान की आवाम के लिए है, बना रहे हैं जागीरदार। मैंने उस दिन वजीर आजम के सामने कहा है ना कि ऐसा खाब तो देख लें आप, एक ऐसे ऐवान का जिसमें कि किसानों की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, मजदूरों की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, और हमने तो अपने हिस्से का काम करके रख दिया। हमने तो दिल जला के रखा है पाकिस्तान के ऐवान का वो हिस्सा जहाँ हम बैठते हैं वहाँ जमहूरियत सांस ले रही है। हाँ, लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आपकी तारीफ तो की जाती है, खास तौर पर मुत्तहदा से ताल्लुक रखने वाले अराकीन की तारीफ करना अच्छी बात है, तारुफ भी होना चाहिए हमारा। लेकिन अब वजारत की एक ऑफर, जराए ऐसे ये पता चला आपको, एक और वजारत की ऑफर की गई, एक पहले ही से जो वजारत देने का वादा किया गया था वो भी अब तक पूरा नहीं किया गया। ये तो बहुत पुरानी बात थी कि जी एक की जगह अब दो वजारतें दी जाएंगी, क्योंकि फरोग नसीम भाई को तो अब उस तरह कंसीडर किया नहीं जाता कि वो वजारत MQM की है या वो MQM से उनका उस तरह ताल्लुक है। सर इतने अरसे के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ भी ना मिलना, लेकिन फिर भी साथ हैं आप। दो बातें, एक तो ये कि मैं फरोग भाई की बात कर रहा हूँ, फरोग भाई मुकम्मल तौर पे MQM के सेनेटर हैं, MQM ने सेनेटर बनाया था, MQM के कारकुन है। MQM को वो वजारत नहीं चाहिए थी जिसकी एक्सपर्टीज, जिसकी महारत फरोग नसीम भाई के पास है जी, ठीक है ना, तो हुकूमत को ज़रूरत ही ज़रूर ले लेते, लेकिन हमारा जो वोटर है, जो हमारी पहली ऐवान में जाके पहली जिम्मेदारी बनता है, फिर पूरे पाकिस्तानी बनता है जब आप वज़ीर बनते हैं, उसके मसाइल के लिए हमें जिस तरह की इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों का सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी है, पानी और सफाई नहीं है, बेरोज़गारी है। अगर रोज़गार हो तो शायद आदमी अपने लिए एक कनेक्टर तो खरीद ले, पानी का या अपने घर के बाहर किसी से झाड़ू तो लगवा ले, तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। किस शहर में बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है जो 70% रेवेन्यू दे रहा है? तो ये तो खुद एक ऐसा अलमिया है कि जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। दुनिया भर में सबसे काबिल इज़्ज़त मुल्क और शहर वो होते हैं जो टैक्स देते हैं। टैक्स देने से ज़्यादा बड़ी कोई वफादारी और हुब्बुल वतनी नहीं है। आप अगर जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, हर हालात में दे रहे हैं, हर वक्त देते रहे, अच्छे बुरे वक्त में देते रहे, क्रेडिट हिस्ट्री और आपके एतमाद की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप फाइलर हो और आप टैक्स दे रहे हो और आप कंटिन्यूसली जा रहा हो, तो आपको बड़ी बड़ी, और आपको टिंट किया हुआ हो, भाई इस शहर को लगाए परचम इस्तक़लाल। खालिद भाई आपसे मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मजीद अभी बहुत सारी बातें करनी है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से, और कुछ कराची शहर के हवाले से मखसूस बात भी करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आबाद है रमज़ान।
जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात। आबाद है रमज़ान, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। हम बातचीत कर रहे हैं, खालिद भाई के साहबजादे जो हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। माशाल्लाह लाइक फादर लाइक सन वाली मिसाल जो है ना नज़र आती, छोटी सी उम्र में चश्मा लगाए हुए सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन जितनी बुर्दबारी से, जितनी खामोशी से और जितनी संजीदगी से ये बैठे हुए हैं, खालिद भाई मेरे ख्याल में इतनी उम्र का ऐसा बच्चा कोई इस तरीके से बैठ नहीं सकता। एक्चुअली ये जब मैं 2013 में आया हूँ जी तो ये और इनकी अम्मा शायद पहली दफ़ा ही आई हैं। अच्छा। और आए भी सीधा, हम आके अपने घर पे नहीं गए, 90 पे रुकना पड़ा हालात की वजह से। अच्छा। तो इन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, सारा कुछ मंजर देखा है। घर के बाहर खड़ी भी फोर्सेस को भी देखा है, छापे भी देखे हैं, सब कुछ देख लिया है छोटी उम्र में। ये तो आपसे ज्यादा दिलेर और ट्रेंड तो ये। हाँ, लेकिन क्योंकि मुझे तो ऐसा गुमान है कि मैं आज तक सभी सियासत में आया नहीं हूँ, तो मेरे ख्याल ये भी नहीं आएंगे। हमने अब तक जो कुछ किया है इसको मैं तो कम से कम अपने दर्जे पे कहता हूँ, इबादत ही की है, बाकी अल्लाह ताला को देखना है। सर, कराची के वाले से अगर बात करें तो ये NA 249 इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, क्या समझते हैं सर, क्या हुआ? देखें, एक तो पाकिस्तान में बहुत सारे अदालती फैसलों के बारे में बातचीत की जाती है। एक बड़ा ही अहम फैसला मुझे शर्मनाक लगता है। एक साबिक चीफ जस्टिस करके गए सिर्फ कराची के लिए, कि यहाँ की हलका बंदियाँ इस तरह की जाएं कि तमाम लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी ऐवानों तक हो। जनाब आली, या तो आप इसका इलेक्शन का और जमहूरियत का ढांचा तब्दील कर दें और आप मुंतसिब, वो क्या कहलाता है, मुंतसिब नहीं, आप पूरा उसका प्रोसेस चेंज कर दें ताकि जो जहां भी बैठा हुआ हो हल्का बंदियां ना हो, मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत कर दें प्रोपोर्शनल। तो क्राफ्ट की गई कराची में कई हल्का बंदियां जो कि हर तरह से लीगली, मॉरली, आईनी तौर पर जमहूरियत की तमाम रिवायतों से अलग हटके बनाई गई थी। ये अदालत के हुक्म पे किया गया, यानी हुकूमत ने नहीं किया, जिसने भी किया इलेक्शन कमीशनर ने किया, जिसने भी किया सबकी, मैं समझता हूँ कि हमारे मामले में, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, शहर के मामले में एक कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है कि जितना दीवार से लगाना तो क्या चुनवाने की तैयारियां की जा रही होती हैं, मगर मुझे वजह समझ में नहीं आती है। यानी इस हमारी तर्ज जमहूरियत को इतना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो पैदाइशी हुक्मरान है उनके लिए तो हम खतरा हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं है, दहशतगर्द उनके लिए हैं जिनकी सियासत को, जिनकी खानदानी मौरूसी सियासत को, जिनके खानदानी इकदार को खतरा है, आम आवाम के लिए खतरा नहीं है। तो वो 249 देखें, कई ऐसी भाई पहले से, हमसे भी पहले से लियारी मौजूद है ना। लियारी का जो फैसला है, जमहूरी फैसला जो है, वो बाकी कराची से मुख्तलिफ होता है, हमें उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो लेकिन वो ख़ास तौर पे क्राफ्ट तो नहीं किया गया, वैसे ही था ना, किसी ने कभी इस पे एतराज़ भी नहीं किया होगा। वहाँ से टाइम क्यों नहीं जीतती रही कराची में होते हुए भी, कुछ देहात के इलाके वहाँ से भी नहीं जीतती रही है। तो ये तो क्राफ्ट ही ऐसा किया गया था कि वहाँ पर जो लोग हमारे वोटर हो सकते हैं उन, वो बहुत छोटी अकलियत में है। पहली बात, ये सीट जिसमें पहले बल्दिया और पाक कॉलोनी दोनों थी, इसको यकीनी बनाया गया कि उसको दो हिस्सों में, दो मुख्तलिफ, एक सिर्फ सलमान मुजाहिद बलोच एक दफा सीट वहाँ, वो ये सीट नहीं थी, उसके बाद ये खास तौर पे क्रिएट हुई है ना अभी 2018 के उसमें, इसकी जो डिलिमिटेशन की गई है उसके बाद की है, वरना ये थी इसमें एक जमाने में इसके कुछ हिस्सों से सलमान मुजाहिद बलोच थे और कुछ हिस्सों से ख्वाजा सुहेल मंसूर थे हमारे। अच्छा, ठीक है, और वहाँ से भी जीते भी रहे, हारते भी रहे, मसला नहीं है। अच्छा, MQM तो 93 के में ऐवानों में ही नहीं थी, इलेक्शन का बायकॉट किया था, इलेक्शन का, ठीक है, सुबह असेंबली में जीत जी, उसके बाद से उन्होंने एक ही दिन कराना शुरू कर दिया। तो
आपने देखा था ना मंजर, जहाँ से हम 2,47,000 वोट से जीते थे, 1,47,000 वोट लेके जीते, 17,000 से बहुत बड़े नाम, बहुत रिस्पेक्टेबल नाम एमएनए बने थे। और अजीब अलमिया देखिए, जो लोग उस वक्त जीते दोबारा इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं की, जो जीते तो उन्होंने इलेक्शन, तो हमने तो पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया सियासत को बहुत सारी नई इस्तलाहें दी। इस पर कभी और बात करेंगे आपसे। तो अल्लाह का शुक्र है, कमज़ोर होती हुई एमक्यूएम जो है ना, अपने बहुत सारे बोझों से आज़ाद हो रही है। इंतखाबात के जीतने हारने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको कानून साजी वहाँ जाकर करनी पड़ेगी। पॉपुलर वोट कम होता जा रहा है क्या मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान? ऐसा हर साल और हर बार कहा गया है। जो दो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए उसने भी ये तासर दिया था। देखिए 97 में भी जो इलेक्शन हुआ था ना, उसमें ये 2 सीटों पर हरा दिया गया था और वोट लेने का तनासुब भी बड़ी हद तक नीचे चला गया था। बाउंस बैक हुआ या नहीं हुआ? 2000 सर, एक बड़ा फर्क जो है ना लंदन की वजह से तो है, हो सकता है, लेकिन लंदन की वजह से फर्क पड़ना चाहिए था ना 18 में वोटों पे। अगर 18 सीटों पे तो पड़ा, अगर हाँ सीटों पे पड़ना, सीटों पे लंदन की वजह से नहीं पड़ा ना भाई, फिर तो कहीं और की वजह से पड़ा है। और एक ऐसा अजीब अलमिया है कि हम इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात नहीं है मुंतखब कराची की, लेकिन सबको तकाजा हमसे ही है ना। जो लोग 18 में इलेक्शन जीत गए वो हैरान है, और जिन्होंने जितवाया है वो परेशान है। अच्छा सर, ये भी बताइए, देखिए अवाम जिनके लिए हम कारकुनों से ज्यादा अहम, हमारी जमात के लिए तो अवाम है और वो बादशाह है। अगर वो कल हमें नापसंद भी करते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हो सकता है हमने अपना मुकदमा अच्छी तरह ना लड़ा हो, लेकिन अगर ऐसा होता मेरी आपके प्रोग्राम के जरिए और आज की रात के जरिए, बड़ी रात है आज, बड़ी रात है, बड़ी रात है। ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे बेहतर लोगों को, हमसे अच्छे लोगों को, हमसे ज्यादा काबिल लोगों को और कामयाब लोगों को हमें वो रिप्लेस करें आगे। लेकिन ये बता दूं आज के इस बाबरकत रात में कि कोई मसनूई तरीका हमें रिप्लेस नहीं कर सकता है। मसनूई तरीका नहीं, जिन लोगों की जड़े अवाम में हो उनसे निमटने का एक ही तरह है, वो मकालमा है। मकालमे के अलावा बात नहीं बन पाएगी इस मुल्क में। मजीद सुनने में आ रहा है कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट में कुछ अंदरूनी तौर पे ग्रुप्स तोड़ फोड़ चीजें चल रही हैं, बात दुरुस्त है या नहीं है सर? देखिए वो यूनिटी नहीं रही जो एक शख्सियत के ऊपर बैठने से अच्छा हुआ करती। ये हुआ ये है कि 22 अगस्त एक हादसा था जी जी, और ये भी एक तारीख है कि पाकिस्तान की मोहब्बत में एक जमात नहीं, एक पूरी कौम ने अपने लीडर को, बानी लीडर को अलग कर दिया, ताल्लुक कर दिया। है पाकिस्तान में कोई जमात बताए अपने लूट मार करने वाले कायदीन से किसी ने ला ताल्लुकी की है? पाकिस्तान को लूटने से ज्यादा गद्दारी क्या है? जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए उनसे किसी जमात ने की है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है, उन्होंने उन्होंने गलत किया था, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े और आज भी खड़े हैं। और वो जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ दे रहे हैं। और पाकिस्तान कराची में बसने वाले 80% लोग अभी भी, चाहे आप कितना भी कह दें डेमोग्राफी तब्दील हुई है, वही लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने ये मुल्क बनाया था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े रहेंगे। हमने एक दफा के नारे के साथ वो कुछ करके दिखाया कि तारीख ने अगर रिस्पेक्ट नहीं दी उसको तो फिर हमारा कसूर नहीं है। आपस में कुछ नहीं चीजें हैं, कुछ इख्तलाफात हैं या नहीं है सर? हर पार्टी में होते हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। आप ये इख्तलाफ, हाँ इख्तलाफ ना हो, राय ना हो तो हम सही बात मुर्दा हैं। हाँ, हमें इत्तेहाद किसे कहते हैं? इख्तलाफ राय रखते हुए भी लोग साथ एक जगह खड़े होते हैं। इत्तेहाद ये है कि हमें इख्तलाफ राय के साथ जीने की तहजीब और आदाब आते हैं, बेशक वो अभी हमें है। अच्छा, क्योंकि तब्दीली आई है, बहुत बड़ी तब्दीली आई है 22 अगस्त 2016 को, तो राय भी मुख्तलिफ हो सकती है ना। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि एक मैं पहले से ज़्यादा बेहतर, मजबूत ना भी कहें आप, पहले से ज़्यादा बेहतर एमक्यूएम को देख रहा हूँ आने वाले वक्तों में, जिसमें किरदार एक बहुत अहम रोल अदा करेगा। देखिए पिछली एमक्यूएम के साथ एक मसला ये भी था, उसमें उसकी हेल्प भी हुई कि ऐसे हालात पैदा थे शहर में। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एक और बड़ी अहम बात जो करता रहा हूँ दोहराऊंगा। देखिए जिन हालात को
जिन हालात को ये पाकिस्तान एमक्यूएम की पैदावार समझता है, जिन हालात को हम एमक्यूएम की पैदावार कहते हैं, दरअसल एमक्यूएम उन हालात की पैदावार है। उस दोनों महज़ब कौमें इस तरह की तरीके से, ये भी कहा जाता है कि अगर इस कराची से महरूमियां खत्म हो जाएं तो एमक्यूएम का एग्जिस्टेंस भी फिर नहीं रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का एग्जिस्टेंस इतना जरूरी नहीं है जितना पाकिस्तान। ये भी कहा जाता है कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट ने अपने पीक के दौर में भी वो महरूमियां खत्म कराने के लिए जद्दोजहद नहीं की जिसके लिए मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट मसलन आई थी। मसलन क्या? मसलन कोटा सिस्टम, दो बातें आपके प्रोग्राम का दौरानिया इतना नहीं है। जी जी, कुछ लोगों ने हमारे लिए कोटा सिस्टम की शक्ल में गढ़ा खोदा था। कोटा सिस्टम को आपकी आला अदालत सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुकी है। किससे खत्म करवाते हैं? खत्म कर चुकी है, उसको गैर इस्लामी गैर आइनी करार दिया है। इम्प्लीमेंट हो रहा है ना? इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। दूसरी बात है कि जो कुछ लोगों ने कोटा सिस्टम आप उस वक्त खत्म करवाई है जब काबिलियत का फैसला करने वाले कोटे पे हो। अब कराची का नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो 60% नंबर लाने की अहलियत रखता है, आप उसको 45% दें और दूसरी जगह का जो कहीं से 50% नंबर लाने की अहलियत रखता है आप उसको 65% दें, तो आप तो बचेंगे ना। फिर इस ये मेरिट अगर एग्जिस्ट करती हो तो मेरिट का मुतालबा किया जाए। वो लोग मेरिट पे हों जो हुक्मरान हैं, वो लोग मेरिट पे हों जो पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठे हुए हैं, वो लोग मेरिट पे हों जो बोर्ड ऑफिस में बैठे हुए हों। हमने कोशिश की थी क्योंकि यह ख़त्म ही हो गया तो इसकी इम्प्लीमेंट, लेकिन एक वफाक का कोटा भी है, ठीक है। वाहिद सवाल तो एमक्यूएम से नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि भुट्टो साहब जो गरीबों का नारा लगाते थे, किसानों का नारा लगाते थे, दही इलाकों की बेहतरी का नारा लगाते थे, सबसे कम दही इलाके सिंध में थे, तो आपको सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में लगाना चाहिए था, फिर बलूचिस्तान और पंजाब में लगाना चाहिए था, पंजाब से भी आप जीते थे। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत मुझे कहने दीजिए, और पाकिस्तान की सियासत का आज दिन तक का मुकद्दर लिसानी सियासत है और इलाकाई सियासत है, तो इसी वजह से ये मामला आते हैं। और ये रहा तो आने वाले वक्त में आपको जमातों के बजाय कौमियतों और जबानों के को बैठा कर एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना पड़ेगा, बगैर उसके काम नहीं चलेगा। एमक्यूएम को क्या करना चाहिए था जब आई थी? एमक्यूएम के पास देखें, आपको मैं मुझे नहीं लगता कि मैं आपके प्रोग्राम के उससे अलग हट के बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप एमक्यूएम ने एमक्यूएम जब बनी है तो उसने 1987 में मार्च के अंदर जितनी भी एमक्यूएम थी, जिस साइज की भी एमक्यूएम थी, तमाम जिम्मेदारों ने मिलकर तय किया था कि इलेक्शन की सियासत में कभी नहीं जाएंगे। हमें जीएसएन का मॉडल पसंद है। जिम्मेदार इलेक्शन नहीं लड़ते थे ना? नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे नहीं हम। जो पाकिस्तान कराची में जो जमातें लड़ रही हैं उन्हीं पे दबाव बढ़ाएंगे कि शहर से जीतते तो शहर का भी सोचो, इस शहर से जीतते हो तो एरिटेरिया और जीत चुके थे ना सर उस वक्त? नहीं नहीं जीते थे ना, मैं आपको 87 मार्च 87 मैंने कहा है, ठीक। लेकिन अरबाब इख्तियार ने इस खौफ से कि कहीं इलेक्शन में कूदना पड़े अगस्त सितंबर में हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर दिया, और जिस तरह उस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे एग्जिस्टिंग मजहबी जमातों ने सियासी जमातों ने बगल बजाई, उसके बाद हम जो लोग उस वक्त जेल में नहीं थे, छोटी उम्र के थे, जो भी क़यादत मौजूद थी, हक़परस ग्रुप के तौर पे सामने, नहीं, उन्होंने तय किया कि ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया नहीं करनी चाहिए, शहर के वसाइल उन लोगों को दे दें जो शहर से मुंतखब तो होते हैं लेकिन शहर का दुख और दर्द नहीं रखते, तो हमने ले ली थी। उसके बाद कई देखें 88 के इलेक्शन जल्दी आ गया था ना, C-130 गिर गया था, 85 में पहले अच्छा 88 में आ गया, तो तमाम तजिया निगार ये बात लिख रहे थे कि जीतेगी एमक्यूएम भी इस दफा बलदियाती इलेक्शन के नतीज की वजह कहते थे कि एमक्यूएम 88 के इलेक्शन में भी जीतेगी, लेकिन एमक्यूएम के पास दो चीजों की कमी, एक तो इनके पास वसाइल नहीं है और दूसरा तजर्बा नहीं है। मेरी गुनाहगार आंखों ने वो मंजर देखा है, सर मैंने भी देखा है वो मंजर देखा है कि जो महाजर कौमी मूवमेंट थी ना, कहने दीजिए मुझे, तो जो उर्दू बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले हैं, मेमनी बोलने वाले हैं, मारवाड़ी बोलने वाले हैं, राजस्थानी बोलने वाले महाजर हैं, जितने भी हैं वो लोग जो बड़े बड़े सरमायादार थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे,
वो लोग जो कि पेशावर सियासतदान थे, जिनकी सियासी उम्र हमारे उस वक्त के लीडर्स की तबई उम्रों से ज्यादा थी, वो सब एमक्यूएम में आ गए थे, नाम मत पूछिएगा। ठीक है, तो वॉलंटियरली आ गए थे, आ गए थे लोग, मैं आपको बात मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे पास दोनों परेशानी दूर हो गई ना, सफाई की भी हो गई और तजर्बे भी आ गए, तजुर्बा भी आ गया। यहाँ से एमक्यूएम ने आके वो सबसे बड़ा इकदाम किया जिसकी वजह से वो दहशतगर्द तंजीम है, जिसने तबकाती जद्दोजहद का आगाज कर दिया, गरीब आबादियों से गरीब नौजवानों को दिया, सब पढ़े लिखे थे, सब ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने वाले थे, मिडिल क्लास मोटरसाइकिल्स पे सर, मिडिल क्लास के, आपकी सिंध असेंबली में बाइक्स पे जाते थे एमपीएस, पहली दफा ऐसा हुआ था कि कोई वेस्पा तो, पार्क हो रही है, कोई मोटरसाइकिल पार्क हो रही है। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम के लिए ज्यादा आसान था कि एमक्यूएम के जो टॉप लीडरशिप थी 100-200 लोग, वो इन लोगों को टिकट दे के, कुछ फर्क नहीं पड़ना था वोट से, जो माहौल था ना, जो नारा था, जिसको भी खड़ा करते उसको उसको जीते। खालिद भाई, मैं आपसे पर्सनली एक बात पूछना चाहूंगा, क्या महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ जाना एक गलती थी, या आप गलती नहीं कहूंगा, या एमक्यूएम की डाउनफॉल का स्टार्ट? नहीं, दो बातें, जो चीज अगर अगर डाउनफॉल सिर्फ नाम की वजह से हुआ तो पाकिस्तान का मुकद्दर सोचें कहां खड़ा है। जो पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग सियासी जमातें हैं उनमें से लिसानी कौन है ये बताइए, लिसानी जमात कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है सर? अब तो देखें ना, सारी जो भी जितनी भी जमातें हैं वो सब सूबे की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद और पे, और मुस्लिम लीग आवाज़ पंजाब पाकिस्तान सिमटती जा रही है, सब सिमटती जा रही है। तो हमारे लिए क्या मुश्किल थी कि हम यहाँ, तो हाल ये है कि आप गली की सफाई के लिए भी अगर कोई अंजुमन बनाना चाहते, पार्टी अंदर से सब तैयार थे कि हाँ ये हो जाए, या आप लोग नहीं चाहते थे कि महाजन से मुत्तहदा? मैं बता रहा हूँ, आपने बड़ा सवाल किया, जवाब भी बड़ा अलग है। मैं ये बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका ये था कि गली में सफाई करने के लिए जो अंजुमने बनती है ना, इस्लाम के निशात सानिया का नारा साथ रखती है। हमारे लिए क्या बुरा था कि हम पहले दिन से महाजन नाम नहीं ना रखते, पॉपुलर नारा नहीं था, ये मत सोचिएगा ये पॉपुलर नारा था, ये पॉपुलर बचते हुए खंभों ने मनाया इसको, एमक्यूएम ने तो हकीकत के तौर पे इसको रखा था, पॉपुलर नारा नहीं था, जीती नहीं थी कॉलेजों में भी एमक्यूएम एपीएमएसओ, लेकिन हालात उसी जानी बढ़ रहे थे। बताना ये है कि हम तो जरूरतन भी मुनाफिकत को जायज नहीं समझते अपने लिए, कि ना सियासत तो महाजनों के लिए करनी हो, क्यों करनी हो? हम समझते थे कि पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगी पाकिस्तान को मुत्तहिद नहीं किया जा सकता, इनके अंदर वो खून में इनके पाकिस्तानी दौड़ रही है, इनको इनके अंदर वो खून दौड़ रहा है जिसने अंग्रेजों से खड़ा होकर लड़ा है वो खून, इसलिए इनको जमा करना जरूरी था। जब गरीबों को खड़ा किया तो पूरा मैसेज पाकिस्तान भर में गया है। जब हम लोग एक ही टैक्सी में बैठ के 5 लोग कौमी असेंबली में दाखिल हुए हैं ना, तो सबको लगा ये क्या परेशानी आ गई है यहाँ पर, ये मैसेज गया था 1988 में। मैं अब आपको बता दूं क्यों अचानक बन गई, कि 92 में ऑपरेशन हुआ और 93 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ दी जाती है, पहली दफा वाहिद हुक्मरान थे शायद पंजाब के तशद इसलिए कि उनको अदालतों ने दोबारा बहाल कर दिया, ऐसे ही हुआ। तो जो वक्फे के लिए बहाल हुए उसमें वो एमक्यूएम जिसके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन शुरू करवाया था मजबूरन या अपनी खुशी से जिस वजह से भी, उन्होंने हमें बुलाया और सॉरी भी की, तो मैं भी गया था वहां पर। हम लोग सुबह 7 की फ्लाइट से गए थे, शाम 7 वाली फ्लाइट से आना था, इतनी देर में 17 केसेस मुझ पे बने, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार और सेनेटर इश्ताक अदर गए थे, तीन लोग आपको गए थे, बुलाया गया था 6 जून 93। अच्छा खालिद भाई, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, ये बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ये जो बात है नाज़िम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि मुत्तहदा कैसे बन गई, मुत्तहदा एक तो महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा, दूसरे नवाज शरीफ का ऑपरेशन कराना 92 में और शदीद ऑपरेशन कराना, और उसके बाद जब अपनी हुकूमत गिर जाती है और बहाल होते हैं तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बुलाया जाता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वफा देखते रहिए आबाद रमजान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खसूसी नशरियात, और हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। ब्रेक पे जाने से पहले इनसे बात हो रही थी कि ये एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान या ये कह लें कि महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा का जो सफ़र था, क्या पार्टी के अपने अंदर तमाम लोग इससे मुत्तफिक थे या नहीं थे सर, क्या कहेंगे? देखिए 90 के बाद ही
पूरे पाकिस्तान से खतूत आने लगे थे कि जो तर्ज सियासत आपने किया है, ख़ास तौर पे जो लेफ़्ट के लोग भी थे, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी आके कोई काम करें। उसमें हर ज़बान बोलने वाले भी थे, तो ये एक मैसेज तो एमक्यूएम के पास आ गया था कि इस मैसेज को आगे बढ़ाया जा सकता है। और एक लिसानी से कौमी जमात बनने का एक नया सफ़र होगा जो पाकिस्तान में हुआ नहीं है। हमने कौमी जमातों को लिसानी बनते लिसानी बुनियादों पे आते देखा। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 93 में नवाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया था। हम सुबह 7 की फ़्लाइट से गए थे, शाम 7 वाली फ़्लाइट से हम तीनों को आना था। जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो पता लगा कि इतनी देर पे मुझ पे सिर्फ 16 से 17 केसेस बना दिए गए हैं। तो मुझे मेरे बारे में ये तय हुआ कि मैं चंद दिन यहाँ और रुक जाऊँ, फिर हालात देख के वापस आऊँ। तो मैं 12 घंटे के लिए गया था, 1.5 साल रहा हूँ रूपोशी में, इस्लामाबाद में। साबिक MNA था, उस पर एडवांटेज थी कि इतने कम उम्र थे कि लोगों को लगता नहीं था कि MNA होंगे। तो फिर मैंने वहाँ की गली कूचों में काम करना शुरू किया है। अच्छा, 93 का इलेक्शन आ गया तो हमने ना सिर्फ एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पर MQM को इलेक्शन लड़ना मुश्किल था, MQM की ताकत देखे, हक की जो जमातें होती हैं ना उसूल पे, उनकी ताकत ही होती है आप यहाँ से दबाते हैं वो यहाँ से। तो हम N1 पेशावर से इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको पठानों का कातिल कहा जाता, अरबाब मुश्ताक, वहाँ की सूबाई असम्बली से इलेक्शन लड़ रहे थे। ज़ाहिर जीतना नहीं था, पैगाम पहुँचाना था। इस्लामाबाद की मेन नशिस्त ना, मेन नशिस्त जो है कोयटा की, वहाँ की कौमी और सूबाई से इलेक्शन लड़ रहे थे, कोटद्दू से लड़ रहे थे, मुजफ्फरगढ़ से लड़ रहे थे, लाहौर से इसहाक डार के ज़िमनी इंतखाबात में उनसे लड़ रहे थे। तो वहाँ पर हम हैरान रह गए कि ऐसे वक्त में मैं वहाँ था जब यहाँ से आप टॉर्चर सेल निकाल रहे थे हमारे, बिल्कुल कातिल और दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन करार दे रहे थे, आप हमारा जिनापुर का नक्शा निकाल रहे थे। तो वहाँ में मुश्किल नहीं हुई काम करने में। खालिद भाई, बाकी पाकिस्तान ने या बाकी कौमियतों ने कभी MQM को दिल से तस्लीम किया है, आप समझते हैं? देखिए, आप बात करते भी हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बना के, आप पठानों की बात करते हैं, सिंधियों की बात करते हैं, पंजाबियों की बात करते हैं, बलोचों की बात करते हैं, क्या ये कौमें आपको कबूल करती हैं? देखिए, हम इनको कबूल करते हैं, हम इनको कबूल करते हैं। और इनकी इन्होंने जिन जमातों को मुंतखब किया है, उन्होंने हर बार हमें हमारे साथ मुआहदा करके सियासी तौर पर तो हमें कबूल किया है। अब इखलाकियात हम उन पर छोड़ते हैं, ठीक है, और ये बताएं कबूल ना करके पाकिस्तान को आप चलाएंगे कैसे? और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था आपसे, सर आपने देखे जो तमाम कौमियतें मिलके एक कौम को दीवार से लगाना चाहती हैं। अच्छा, नहीं, मैंने तमाम कौमियतों को बात नहीं किया है, तमाम ताकतें कह लें जी। कौमियतों के दरमियान तो दराड़ ही खास तौर पर डाली गई है। देखिए, मेरे नज़दीक पाकिस्तान में एक ही कौम है, दो कौमें, एक मजलूम और एक जालिम, दो ही फिरके हैं, एक हैव और एक हैव नॉट। ये सब तो इसी के तमाशे के लिए डाली गई है। अच्छा, कुछ नेचुरल है ना, कुछ लोग सदियों से रहते हैं, कुछ लोग बाद में आए, और इसी तरह दुनिया चलती है। आपके साथ ये था कि हम जिस तहजीब को लाए, मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि वो पूरे बरसगीर की सबसे इर्तका याफ्ता तहजीब थी। उसका यहाँ एडवांटेज ही हुआ है, यहाँ के लोगों ने उसको अपनाने की कोशिश ही की गई, बाद में तब्दील किया गया है। और ना भी करें, मैसेज पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, कबूल करना दूसरों की जिम्मेदारी है। और हम अब भी मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ये काम करते रहेंगे। फिर हमने ये वाली कोशिशें भी कर ली हुज्जत तमाम करने के लिए, हमने अपने मेन हेड क्वार्टर से ला के दूसरी जमात के लोगों को इलेक्शन भी जितवाते रहे, हम सेनेट में नॉन महाजर लोगों को भी भेजते रहे, हमने अपना मोहब्बत का मैसेज पहुंचा दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं दूसरों के जवाब दूसरी तरफ से। सर मुझे बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की ये बदकिस्मती भी रही है कि हमेशा इसमें से धड़े बनाए गए, या ऐसे लोग जो कि पार्टी में रहकर मजबूत हुए वो अपने आप को इतना कुछ समझ लगे कि उन्होंने ये MQM की बदकिस्मती नहीं, पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मुस्लिम लीग तो अलिफ से लेके ये तक है, ठीक है, और उसका तो मेन धड़ा भी नहीं पड़ा। जैसे मैं बात करूं
फारूक सत्तार भाई की। मैं आपसे पहले मैं पूरी तारीख बयान कर दूं ना। जी जी, मुस्लिम लीग काफ को जानते हैं आप ना? जी जी, ठीक है ना। मतलब अच्छा, पाकिस्तान पीपुल्स, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पैट्रियट कहाँ है? पैट्रियट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कौशल न्याजी ग्रुप कहाँ है? नेशनल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहाँ है? शेरपा ग्रुप कहाँ है? तो जनाब, मस्नूई तरीके से बनाई हुई चीज़ें मस्नूई कहलाती हैं ना। तो वो वारदात एनक्यूएम के साथ भी होनी थी और करनी थी, क्योंकि वो शहर जो 70% रेवेन्यू देता हो, तो हुक्मरानों की मर्जी के मुताबिक एनक्यूएम से पहले यहाँ के नताइज थे, यानी यहाँ का मैंडेट तकसीम था। 70 के इलेक्शन में 2 सीटें जमात इस्लामी जीत गई, 2 नूरानी साहब जीत गए, 2 पीपुल्स पार्टी जीत गई, 1 आज़ाद उम्मीदवार। क्या आइडियल सिचुएशन थी, ठीक है। एमक्यूएम के आने के बाद तो जो जमहूरियत में शक्ल होनी चाहिए वही हुई। कराची ने मसले मसाइल नज़रिए के ऊपर खड़े होकर एक जगह वोट दे दिया। तो एमक्यूएम को तकसीम करने की कोशिश ना की जाती तो मुझे अपने ऊपर और अपने नज़रिए पर और अपनी कोशिशों पर, अपनी नीयत पर मुझे शुबा हो जाता। ये तो होना था जो हमारे साथ हुआ, ना होता तो हमें लगता, हमें कई मीडिया वालों से हम बोलते हैं ना कि आप हमारे हक में लिखने लगे तो हमें अपना गिरेबान झांकने देना चाहिए, हमने क्या ऐसा कर रहे हैं कि हमारी तारीफें भी शुरू हो गई हैं। बहुत से लोग फारूक भाई को भी आपको लगता है कि जानबूझ के किया गया है, यानी उनको ये कहा गया कि नहीं वो अलग अच्छा, ये एक दूसरी पहली बात तो ये कि एक तो है कि एमक्यूएम वाले भी इसी माशरे से निकल के आए ना, किसी कारखाने में तो नहीं बने। उनको एक नज़रिया और एक डिसिप्लिन एक रख सकता है ना, हाँ। वो कमज़ोर पड़ा है तो कुछ चीज़ें नेचुरल भी हो सकती हैं। और फारूक भाई का जहाँ तक ताल्लुक है, फारूक भाई तो एमक्यूएम के हैं, जिस दिन चाहेंगे अपने दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे, फैसला उनको करना है। हमसे लोग सवाल करते हैं, हमने कहा फैसला फारूक भाई को करना है, हाँ मजबूरी है कि एमक्यूएम का जो दरवाज़ा है ना, हाँ। वो ज़रा छोटा सा झुक के आना पड़ता है, तो मैं भी रोज़ाना झुक के जाता हूँ, जो झुक के आ जाएगा उसके लिए रास्ता मौजूद है। सर चले, लेकिन पहले तो ये था कि वन वे ट्रैफिक कहा जाता था एमक्यूएम, जो एक दफा एमक्यूएम में चला गया तो चला गया, वापसी का दरवाजा नहीं। अच्छा, पहले भी नहीं थे, अब तो आने का दरवाजा एक है, जाने के 100 दरवाजे खोल दिए, अब खुल गए जाने के दरवाजे भी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे फारूक भाई का आपसे तो कोई इख्तलाफ ऐसा है नहीं ना? पार्टी में हमेशा आपके बारे में जब भी मैंने फारूक भाई से सवाल किया तो हमेशा आपके लिए फारूक भाई को ख्यालात रखते हैं। फारूक भाई को पार्टी से इख्तलाफात को और पार्टी से जिन चीज़ों पे एतराज़ आते हैं उनको ना पार्टी में आके दूर करेंगे ना, पार्टी से बाहर बैठ के थोड़ी दूर कर सकते हैं। आए और दूर करें यार, इतने पुराने साथी हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास के अलावा कोई और पोजीशन पार्टी में रखना नहीं चाहते। सरबरा की तो कोई पोजीशन ही नहीं पार्टी में। वो कहते हैं कि जी जो सरबरा आपके सामने से कितनी दफा उन्होंने पार्टी में रहते हुए भी कहा कि मैं सरबरा होके भी सरबरा नहीं हूँ, पार्टी मेरे नाम पे रजिस्टर थी, मेरे नाम से ले ली गई, हाईजैक कर ली गई, ये निशान मेरा था, ये पार्टी नहीं। तो अगर उनके घर का होता है ना, उनको तो अगर विरासत मिला होता तो ये बात कर सकते थे ना। ये तो पार्टी है, कारकुनों ने फैसला करना होता है भाई, कौन इसको होल्ड करेगा ये क्या? नहीं, कारकुनों करना होता है, पार्टी के कानून और आईन में लिखा हुआ है ना, आईन और कानून में लिखा हुआ है, और बहुत पहले से लिखा हुआ है ना कि वो किसी तरीके कार के तहत चलेगी। ये जागीरदारों की जमात थोड़ी है कि कोई एक परमानेंट सरबरा आ जाए। बिल्कुल खालिद भाई, अगर मैं बात करूँ मुस्तफ़ा कमाल साहब की, तो अभी हमने NA 249 में भी देखा, एक पार्टी के सरबरा का इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ना और बड़े उसके साथ फिर हार जाना, फिर ये बातें उनकी ऐसी होती हैं कि मतलब जैसे वो पूरा इलेक्शन ही क्लीन स्वीप कर देंगे, जिस तरह 2018 में उन्होंने कहा था कि जी मेजॉरिटी हम तो बिल्कुल तो सिंध, मतलब वो कह रहे थे कि ये सीटें तो क्या हम वज़ीर-आला मारा होगा। तो सर है तो सब कुछ बेस तो एमक्यूएम है ना उनकी, यानी अगर उनके में से आप एमक्यूएम और मेयरशिप माइनस कर दें पीछे क्या रह जाता है? लेकिन फिर भी उनको खैर पोर्ट्रे किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें जो ख्वाब दिखा के इलेक्शन लड़ाए जाते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि तजर्बा ना होता तो ऐसे ख्वाब देखने की इजाज़त थी और ख्वाहिशात पर कोई बंद नहीं माना जा सकता। और दूसरा तारीख यही है कि मस्नूई तरीका जो है, सिंध के शहरी इलाकों में जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वोटर है वहाँ तो मुमकिन ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में भी ये तजर्बा कामयाब नहीं हुआ है। तो जिसने माफ़ी मांग कर, माफ़ी किसी से नहीं मांगनी है, अवाम से नहीं मांगनी है, अपने अवाम से ही मांगनी है इंसान को, वो रियलाइजेशन हुई है वो कामयाब हुआ है। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए यही है कि वो उनको बिल्कुल ख्वाब देखने का भी हक है,
اور خواہشات رکھنے کا بھی حق ہے, لیکن یہ کہ ایم کیو ایم بھی جو کچھ کر رہی ہے اپنے بلبوتے پہ کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم میں سے سب کو کامیابی اپنے بلبوتے میں ملنی چاہیے, کسی اور سے ڈیمانڈ تھوڑی عوام سے کیے جائے, کامیابی کے لیے عوام سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے نا, خواص سے نہیں. اچھا خالد بھائی, جو بلدیاتی حکومت ایم کیو ایم کی رہی وسیم اختر صاحب کی سربراہی میں, لوگ یہ کہتے ہیں یہ آخری چانس تھا, اگر اس پہ ایم کیو ایم اچھا پرفارم کر جاتی بلدیاتی اداروں میں تو آگے بہت چانسز بن سکتے تھے, لیکن ایم کیو ایم نے موقع گنوایا. آج ڈی سیز اور اے سیز جو ہیں وہ بلدیاتی حکومت چلا رہے ہیں, لیکن ان کے پاس بھی شاید ایم کیو ایم سے زیادہ فنڈز موجود ہوتے ہیں, پیوند کاری بھی ہو رہی ہے, بیوٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے. پیوند کاری تو ان کی طرف سے نہیں ہو رہی, ہم ایم این ایس کے فنڈ سے ہو رہی ہے جناب. اچھا ٹھیک ہے, کچرا اٹھ رہا ہے کیا, پانی کی پانی بحال ہو گیا ہے, کچھ تھوڑے بہت کام شروع ہوئے ہیں ان کی ڈی ایم سیز کے. اچھا دو باتیں, ہمارے پاس دو آپشن تھے کہ یہ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے جو آرٹیکل آئین کے آرٹیکل 140A سے براہ راست متصادم ہے, جس پہ کہ ایکشن سو موٹو ایکشن لینا اعلیٰ عدالتوں کا کام, ایس ایل اے جو ہے وہ آپ کے ٹھیک ہے. تو جب ہم الیکشن, آپ کو پتا ہے نا 2015 میں, جس 2015 سے بھی بڑی بازگشت تھی نا اس بات کی کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک کمزور ہو گیا ہے. ایم کیو ایم تاریخ میں اتنا بڑا نہیں جیتی ہے جتنا 2015 میں جیتی ہے. اللہ لوگوں نے 2018 میں پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑے تھے اس کی بنیاد پہ ایم کیو ایم کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں شروع کر دی تھی نا, تو اور حالات اچھے نہیں تھے اس وقت, فیصلہ نہیں ہوا تھا کرنا کیا ہے. تو ایم کیو ایم نے 87 میں بھی اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جو حیدرآباد اور کراچی میں اس بلدیاتی الیکشن میں کی ہے 2015 کی. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے, یا تو ہم جیتنے کے باوجود بھی اگر ہم حکومت نہیں بناتے اس شہر کے اندر تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا تھا. پہلی بات, نل اینڈ وائٹ کر دیتے اس کو پورے کو, ساری اپوزیشن مل بھی جاتی تو 25% بھی نہیں, 15% بھی نہیں تھے نا ایم کیو ایم کا. دوسرا یہ تھا کہ ہمارا میئر کم سے کم کھڑا ہو گیا عدالتوں میں جائے اور وہ حجت تمام کی ہے, ان عدالتوں سے فیصلے آنے کا وقت آ رہا ہے. سر آپ کے خیال میں میئر صاحب نے ٹھیک کام کیا؟ میئر صاحب کے پاس, میئر صاحب پانی نہیں فراہم کر سکے اور اس لیے نہیں کر سکے ہیں کہ پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری کے ادارے کو, جس کو آپ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کہتے ہیں, اس کے مالک اور مختار جو ہیں ان کا تعلق جامشوروں سے تھا, خیرپور سے تھا, دادو سے تھا. اس پہ اعتراض کیا جانا چاہیے. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میئر کے انڈر میں نہیں تھی. کچرا اٹھانا, اگر میئر کچرا اٹھاتا اس کی ایف آئی آر کٹ سکتی تھی, کیونکہ کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بن گیا ہے اور اس کا ٹھیکہ ان لوگوں نے, ٹھیکے داروں نے کراچی کے چین کی کمپنیوں کو دے دیا تھا. اچھا اس لیے نہیں تھا وہ اس میں نہیں رہے, میئر کے اختیار میں نہیں رہے. یہ بات میڈیا کو بتانی چاہیے نا کہ میئر کی تو ایف آئی آر کٹ سکتی ہے کچرا اٹھانے پر, پھر بھی کیا. سیوریج کا کام جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے اس وقت, میں اپنے ایم این اے فنڈ سے وہ کام کروا رہا ہوں. پانی کی لائنوں کا کام سندھ, ٹیکس دے رہے ہیں آپ نہیں دے رہے پانی کے؟ بالکل جا رہا ہے, چاہے پانی آئے یا نہ آئے. اچھا آپ کے ٹیکس سے اگر دادو میں پانی دیا جا رہا ہو تو بولے کہ نہیں, یہ جمہوریت اس کو کہتے ہیں. جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا اختیار بھی ہو. آپ ایسے جمہوریت کی ڈیمانڈ کریں اس کے بجائے کہ ایم کیو ایم نے پرفارم کیا یا نہیں کیا. فاروق ستار نے پرفارم نہیں کیا, فاروق ستار نے پرفارم نہ کیا ہوتا ایم کیو ایم نے اس وقت, تو لوگ افغانی کو ایسے نہیں بھول جاتے. میرا افغانی کو اگر بعد میں ایم کیو ایم کے دوسرے ناظم نے نہ کیا ہوتا تو لوگ, ہم ان کی بڑی نعمت اللہ خیر کو نہیں, لیکن نعمت اللہ سے زیادہ اس کو یاد کرتے رہے نا. پاکستان کے اس بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے ایم کیو ایم کے ناظم کو پکچر کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا. یہ مشرف صاحب کے دور میں اختیار تھا تو کر کے دکھایا ہے نا. یہ آپ اس کو بدنصیبی نہیں سمجھتے. میسج یہ ہے کہ پاکستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ جس دور میں جمہوریت ہوتی ہے اس دور میں بنیادی جمہوریت نہیں ہوتی ہے, اور جس دن میں جس دور میں آمریت آتی ہے اس دور میں بنیادی جمہوریت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. تو پھر آپ تو کہہ سکتے ہیں, آپ تلاش کریں کہ جمہوریت آمریت کے دور میں زیادہ رہی ہے یا جمہوریت کے دور میں. ٹھیک.
और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में ही है, लेकिन जागीरदाराना जमहूरियत में नहीं है। जो मैंने उस दिन ऐवान में कहा था, मैं आपके हकीकी जमहूरियत होनी चाहिए। हाँ, ऐसी हकीकी नहीं जो बनाई जाती है। ये तरीका वारदात बड़ा पुराना है, हकीकी बना एक जमाने में वो जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी उसके लिए भी उन्होंने रियल आयरिश रिपब्लिकन वहीं से सीखते हैं हम सब लोग भी। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम किया जाए जी। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था तो ये मगरबी पाकिस्तान जो पूरा पाकिस्तान है, इसकी आबादी 2 करोड़ थी, आज 23-24 करोड़ है। उस वक्त भी 4 सूबे थे, आज भी 4 सूबे हैं। सूबे धरती मानी होती है, वतन होता है। सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, वतन नहीं है। वतन की तकसीम गद्दारी है, सूबों की तकसीम गद्दारी कहना ही गद्दारी है। कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। तो जमहूरियत रहती है या जमहूरियत की बसात को लपेट दिया जाता है? जो भी आए अगर पाकिस्तान से उसको मोहब्बत है, ये 4 सूबे लिसानी बुनियादों पर हैं और लिसानी इनके होते हुए पाकिस्तान में लिसानी सियासत का खात्मा नहीं किया जा सकता। जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर आप नए सूबे नहीं बनाएंगे, और कराची की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हाँ सबसे ज्यादा जरूरत इस बल्दियाती निज़ाम के बाद और पीपल्स पार्टी की 11 साल की हुकूमत के बाद, सिंध में 2 सूबे पहले बना चुके, भुट्टो साहब बना चुके हैं कोटा सिस्टम लगाकर, एडमिनिस्ट्रेटिवली 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं, 40% 60%, फिर लिसानी बिल लाकर लिसानी तौर पे सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं, और पीपल्स पार्टी ने दीवारें खड़ी करके इसको 2 हिस्सों में वैसी तकसीम कर दिया। खालिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बातों में बड़ी तश्नगी रह गई है। तो इंशाल्लाह ईद के बाद एक और आपके साथ नशिस्त रखेंगे जिसमें मजीद तफसीली बातें करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपके साहबजादे मौजूद हैं। मैं आपके आपके प्रोग्राम से सिर्फ आखिरी बात करूं। जी जी जी, अक्सर ये बात की जाती है कि सूबा उनको मिलेगा जिसके पास जमीन हो। हाँ, हम अपने हिस्से की जमीन अपने साथ लाए थे 47 में, ये पाकिस्तान को पता होना। मतरूका जो जमीन थी, मतरूका सिंध है, मतरूका पाकिस्तान है, उसके मालिक हम हैं। मतरूका सिंध में हमें मिली थी, सिंध की 70% जरई जमीन है हमारे पास, सिंध की 70% जरई जमीन जो हिंदुओं की थी, जो वहां जिनको हमारी मिल गई है, हमें उनकी नहीं मिली है। सिंध के 21 बड़े शहरों में हम इसलिए थे कि हमारा सिंधी मुसलमान भाई जा नहीं सकता था, वो गए हैं तो हम उनकी जगह पे आए हैं। यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके जी इंडिया गए, और तारीख की सबसे बड़ी एक मुआहदे के तहत होने वाली हिजरत थी जिससे हम गुजरे हैं, और अपनी जमीन भी साथ लेकर आया, और अपनी जमीन साथ लेकर आया। ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, तशरीफ लाए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए हमारे प्रोग्राम आबाद-ए-रमज़ान।